हेलो स्टूडेंट्स डे थ्री वो वर्ड्स आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगे चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड डिस्टॉर्ट टू चेंज द शेप और साउंड ऑफ समथिंग सो डेट इट सीम्स स्ट्रेंज और इज नॉट क्लियर किसी चीज़ की हमने ऐसे शेप और साउंड बिगाड़ देनी है जिससे वो हमको अजीब और क्लियर uh, ना लगे ओके okay? उसको हम डिस्टॉर्ट करते हैं। मतलब कि उसकी हालत को बिगाड़ना फ्रॉट एफ आर ए यू जी एस टी फिल विद समथिंग अनप्लीसेंट जो आप हमको अच्छा ना लगे अनप्लीसेंट हो हमारे लिए कुछ दायक ना हो नेक्स्ट स्टीर टू कंट्रोल जैसे स्टीरिंग होता है टू कंट्रोल द डायरेक्शन दैट अ व्हीकल इज गोइंग इन पता ही होगा सबको टेंट टू यूजली डू और बी समथिंग यूज फॉर गिविंग योर ओपिनियन इन अ प्लाइट वे टेंट्स कर रहा है कोई चीज़ हम कोई ओपिनियन देते हैं इन प्लाइट वे उसको हम टेंट यूज़ करते हैं और कोई चीज़ नेचुरली आ, वेरी कर रही यू मॉन्क अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस ग्रूप ऑफ मैन हु लिव्स इन अ स्पेशल बिल्डिंग एंड डू नॉट गेट मैरिड वो जो रिलीजियस ग्रुप के साथ रहता हो पर्सन ओके और स्पेशल बिल्डिंग में सारी मतलब कि सबसे दूर होकर रहता हो अपनी फैमिली वगैरह से या जो मैरिज नहीं करवाता उसको हम बोलते हैं मोंक एम ओ एन के मोंक नेक्स्ट प्रोडिजियस वेरी लार्ज और पावरफुल एंड सरप्राइजिंग जो हमारे लिए चीज़ बहुत बड़ी होती है बहुत शक्तिशाली होती है उसको हम प्रोडिजियस बोलते हैं रिसाइड कहीं पर हम रहते हैं टू हैव योर होम इन और एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओके जैसे रेसीडेंट है वैसे रिसाइड जहाँ पर हम रह रहे हैं फॉयलेज ऑल दी लीव ऑफ अ ट्री और अ प्लांट किसी भी प्लांट और ट्री की सारी पत्तियों को हम फॉयलेज बोलते हैं पेनीट्रीट टू गो थ्रू और इन टू समबडी स्पेशन दिस इज डिफिकल्ट किसी की चीज़ में हमने जाना जो हमको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हो ओके सो उसको हम बोलते हैं पेनीट्रेट करना है किसी चीज़ के बारे में सोचना सोचना जब वो हमको डिफ़िकल्ट लगे